तो दोस्तों स्वागत है हमारा सिर्फ मैं ही बोलूंगा का पहला एपिसोड पर, जिसको स्पॉन्सर किया है लोकेश लमलाली। तो हमारे इस एपिसोड में चर्चे का जो केंद्रीय विषय है वो यही है कि क्या बॉलीवुड खत्म हो चुका है, क्या बॉलीवुड में सिर्फ और सिर्फ रह गया है नेपोटिज्म, क्या बॉलीवुड तेल बेचने चला गया, क्या बॉलीवुड अब सिर्फ देगा फ्लॉप के ऊपर फ्लॉप मूवीज, बॉलीवुड में जो डायरेक्टर लोग हैं उनकी डायरेक्शन देख के लगता है कि पॉपकॉर्न बेचने चला है वो लोग। जो VFX टीम है, VFX टीम को देख के लगता है कि एशियन पेंट में वो काम करते हैं। जो एक्टर्स है, सबके सब एक्टर्स को देख के लगता है कि वो अर्जुन कपूर से इंस्पायर्ड है। और भाई जो हमारा सिंगर्स है वो पूरा बॉलीवुड में सिर्फ और रह गया है दो सिंगर्स, बाकी सब घास खाने चला गया है। अरिजीत सिंह और विशाल मिश्रा को छोड़ के कोई बचा ही नहीं। अब कब तक चलेगा ये, कब तक चलेगा हर साल फ्लॉप के ऊपर फ्लॉप, फ्लॉप के ऊपर फ्लॉप, कब तक चलेगा ये, कब तक एसआर के बचाते रहेंगे बॉलीवुड को, इसके ऊपर है हमारा आज का एपिसोड। और यही सवाल पूछता है सारा बॉलीवुड फैंस, पूछता है सारा बॉलीवुड फैंस कि कब तक चलेगा ये नाटक, कब तक और कब तक चलेगा, पूछता है वो सारा फैंस जो पैसे देकर थिएटर में जाके मिडिल रो पे बैठ के फिल्म देखता है, ना कि कोने में बैठकर आशिकी 3 बनाता है। पूछता है वो सारे का सारा फैंस, सिर्फ मैं सिर्फ आप नहीं, पूछता है सारा बॉलीवुड फैंस। तो मेरे साथ आज हमारे शो पर है गर्मी बाई, स्वागत है आपको हमारे शो पे। तो हमारे दर्शक को आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। तो थैंक यू जंगल स्वामी जी। जंगल नहीं, मंगल नाम है मेरा। इसका तो किसी का स्वामी है ना। वे मंगल स्वामी। यस हाँ, तो थैंक यू मुझे फाइनली बोलने का मौका देने के लिए। तो गाइस नमस्कार, मैं हूँ गर्मी बाई उर्फ अंदर से लड़का, मतलब बाहर से लड़की। क्या क्या बाहर से लड़की अंदर से लड़का, मतलब क्या लड़की, तुम लड़की नहीं हो? नहीं, क्या दोस्तों मुझे पहले इसके ऊपर शक था, क्योंकि तुम्हारे पूरे मुंह पे दाढ़ी है। क्या शेव करने भूल गई, तुम लड़की नहीं हो, लड़का हो, लड़का हो, जवाब दो, जवाब दो, तुम लड़का हो या लड़की हो, तुम्हारे इस लड़के के पीछे लड़की या फिर लड़की के पीछे लड़के का राज क्या है, जवाब दो। इसके जवाब देने से पहले दोस्तों मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या सवाल? आपके गाड़ी में जनरेटर लगा है, जब भी जाता हूँ अभी भागे जाता हूँ, किसी और को बोल नहीं देते। इसलिए तो इस शो का नाम है सिर्फ मैं बोलूंगा। तो मुझे क्यों बुलाया? पैसा दिया ना, पैसा दिया कि नहीं दिया? तो मुझे क्या? हाँ तो दोस्तों मेरा गर्मी जी से आज का पहला सवाल यही है कि बॉलीवुड में इस साल रिलीज हुआ है फाइटर, तो फाइटर में फाइटर को छोड़कर और क्या कुछ देखने को मिला, या फिर फाइटर फिल्म को छोड़कर बॉलीवुड और क्या फिल्में लाई, कैसी कंटेंट थी उस फिल्म में। तो प्लीज गर्मी जी, दर्शक वेट कर रहे हैं, जल्दी से जवाब दो। हमारे ये जो चैनल है ना, क्या है हमारा चैनल, सबसे बहुत ज्यादा रेपुटेड है, देश का नंबर 1 चैनल है। किधर चैनल का नंबर होता है? और आप भाई हमारे चैनल में आके ये सब कर रहे हो? यही तो कंटेंट दिखाता है बॉलीवुड, क्या
इस हरकत के लिए, आपके इस हरकत के लिए पता मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कर रहा है तू? टीम, ए यू टीम, इसको भाई इस एपिसोड का पैसा मत देना आप लोग। अरे नहीं नहीं, पैसा मत देना इसको। बरकत क्यों? पैसा पता है ना, पैसा नहीं मिलेगा। जवाब दो इसका, पैसा क्यों नहीं मिलेगा? जवाब दो। बॉलीवुड ये कराता है तो मेरा क्या दोष? खैर छोड़ो, तो इसी बात पे मेरा एक और सवाल गर्मी जी से, देखते हैं भाई गर्मी जी क्या सही से आंसर दे पाते हैं या नहीं। तो ये जवाब दो, सवाल तो पूछ। ओ अच्छा सॉरी। तो हमारा अगला सवाल गर्मी जी से कि 2022 में बॉलीवुड में डाउनफॉल देखने को मिला, 2023 में फिर देखने को मिला कमबैक, वो भी साउथ के डायरेक्टर द्वारा, और उसके बाद 2024 में फिर से क्या हम बॉलीवुड के द्वारा डाउनफॉल देखेंगे? इसके ऊपर आपका क्या विचार है? तो मेरा है, जवाब दो भाई, जवाब दो। ये कौन किसको लेके आए हो? भाई मैं मेरा टीम से कहना चाहता हूँ कि ये जो सिचुएशन हुआ, हाँ इसके लिए गर्मी जी माफी चाह रहा है सबसे आपसे, तो प्लीज ये सीन, मैं भी माफी मांगती तेरे से दंगल, ये सीन प्लीज कट कर देना। क्यों कर? ये पूरा भारत देखेगा। उसके बाद हम, क्योंकि यहाँ पर मेरा बेइज्जती हुआ है, तो प्लीज कट कर देना। ये तो इज्जत दिया तेरे को मैंने, ठीक है? इज्जत भारत चलेगा। ये दूसरी चैनल की साजिश है, ये शो लाइव है, ये दूसरी चैनल की साजिश है। मैं लिख के कह सकता हूँ भाई, मैं लिख के कह सकता हूँ, ये लिख के क्या कह सकता हूँ। तो खैर इसी नजर को नजरअंदाज करते हुए मेरा अगला सवाल गर्मी जी से, गर्मी जी आपसे अगला सवाल यही है कि क्या क्रैक मूवी देखी आपने? एकदम। क्रैक मूवी में सबसे ज्यादा आपको क्या चीज पसंद आया? एकदम यही, इस सवाल का मैं कब से इंतजार कर रही थी कि क्या चीज पसंद आया, क्या चीज, और वो चीज है क्रैक में नोला फतेही, मतलब नोला फतेही, मतलब उसके जो बड़े बड़े ओ है ना, क्या मतलब कि क्या 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 छी गर्मी जी, छी क्या छी क्या, कितना चीप औरत है ये, कितना चीप औरत है छी। आप भाई एक लड़की हो के एक लड़की के बारे में ऐसे कह सकते हो, वो भी लाइव शो पर? मैं तो पहले ही बोल चुकी थी कि मैं अंदर से लड़का हूँ, लड़का लड़का। तो मुझे आपसे एक क्वेश्चन है, आप सबसे एक क्वेश्चन है, पूरे भारत से एक क्वेश्चन है, आप लोग पूछना मेरे से एक क्वेश्चन का है, पूछ। ओह सॉरी, क्या है? असल में मैं पूछता नहीं ना, 9 फरवरी को जो थिएटर में रिलीज हुआ था तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, हाँ। तो उस मूवी के हीरोइन का कृति सनन, हाँ। तो उनमें और मुझ में क्या मिल है? क्या क्या मिल है, क्या मतलब क्या क्या मिल है? वो भी बाहर से लड़की और मेरी बाहर से लड़की। आपका ये फालतू जोक प्लीज इग्नोर करो, फालतू जोक इग्नोर करो, और ये जोक को इग्नोर करते हुए मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल यही है कि सवाल ही नहीं है एसआरके। अच्छा अभी पूछ। एसआरके क्या एकलौते वो एक ही बंदा है जो बॉलीवुड को हर दफ, जो बॉलीवुड को हर वक्त बचाएगा? तो सलमान खान को भूल गया, वो तो किसी का भाई किसी का जान दे के बॉलीवुड को और डुबा दिया। अच्छा क्या एसआरके एक ही बंदा है? पीटेगा बार तू पीटेगा, एसआरके एक ही बंदा है। तू जानता है सलमान खान का कितना फैन फॉलोइंग है? बाहर सेहरा खड़ा हुआ है सेहरा, तूने जो बोल दिया ना कुटाई होगी तेरी, कुटाई। मेरे साथ पूरा भारत है। हाँ ऑनलाइन ऑफलाइन कोई नहीं है किसी का। एसआरके प्लीज जवाब दीजिए, क्या क्या जवाब तू, ये क्या सबको पता है कि एक ही बंदा काफी नहीं देगा मुझे समझ पाएगा, हाँ? और ये सवाल उतना ही सच है, इसका उत्तर उतना ही सच है जितना छूट फिल्मी इंडियन का।
ये दूसरी चैनल का साजिश है। मेरा टीम देखो उधर से बोल रहा है भाई, साजिश है। माफी मांगो गर्मी जी। मैं नहीं मांगता तेरे से माफी। मांगो। मैं नहीं मांगता। पूरा भारत से माफी मांगो। थूकूंगा तेरे मुंह पर। तो गाइस देखा हमारे ये पहला एपिसोड में, पहला शो में हमारे साथ थी एक ना औरत मर्द क्या गर्मी जी। तो गर्मी जी ये सब कुछ छोड़िए, आप ये बताइए कि हमारा पहला एपिसोड पे आके आपको कैसा लगा। पेमेंट तो 50 रुपए दे रहा, कैसा लगेगा। और तो भाई मैं तो बाहर पानी पूरी खा रही थी, मेरा शिफ्ट खत्म, ये साला लोग मेरे को एकदम जबरदस्ती बिठाया ये सब पहन के। और कोई अगर मुझे मत कहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हट दोस्तों, आपने देखा कि गर्मी जी को बहुत अच्छा लगा हमारे शो पे आके। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपको हमारा ये शो कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, जवाब देना, प्लीज जवाब दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आप भी वो दूसरी चैनल से नहीं हो ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो मिलते हैं अगले संडे को यही एक दूसरे एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।